ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं गंगा दशहरे के बारे में। गंगा पूजन के लिए एक विशेष समय और शिव कृपा प्राप्ति का भी एक बहुत विशेष समय। देखिए, गंगा जी की महिमा यदि मैं बताऊं तो ये मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि भारत का हर एक वासी गंगा जी के बारे में जानता है और कोई भी पूर्ण रूप से गंगा जी का महत्व, गंगा जी की इम्पोर्टेंस नहीं बता सकता है। क्योंकि कैसे बताएं, जिन परमेश्वर शिव को ढूंढने के लिए ब्रह्मा विष्णु भी ऊपर आसमान में और पाताल की ओर निकल गए थे, जिन्हें उनका उनका छोर नहीं पता चला था, उन परमेश्वर उन हमारे स्वामी के जटाओं में जो रहती हैं, जो हमारे स्वामी के सिर के ऊपर जो रहती हैं, उन परम पावनी भवतारिणी गंगा जी की महिमा कौन कह सकता है। और एक चीज आप देखिए, एक नॉर्मल गंगा जी नदी से हटा करके एक शिव भक्त की भांति आप सोच कर देखिए, कितने अनेकों अनेक मुनि अनेकों अनेक हजारों जन्मों में तपस्या करते रहते हैं, जब जाकर के शिव दर्शन में प्राप्त होता है, शिव का स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन एक इस चीज को देखिए, आप एक शिव भक्त होने के नाते जिन हमारे स्वामी जिन परमेश्वर को ब्रह्मा विष्णु में नहीं खोज पाए थे, उन परमेश्वर की जटाओं से निकली हुई गंगा जी हमें आसानी से सुलभता से प्राप्त हो रही है और वो अनंत काल से जीवों का कल्याण कर रही है। गंगा जी के तट पर या गंगा जल है जो, उसके सानिध्य में आप ये चीज सोच कर देखिए, ये वही जल है जो साक्षात हमारे स्वामी के जटाओं से आ रहा है, ये वही गंगा जी है। आपको कितनी प्रसन्नता होगी ये फैक्ट को आप डीपली अगर सोच कर देखते हैं तो आपको साक्षात शिव का सानिध्य ही दिखता है गंगा जी के अंदर। और गंगा जी की तो बात ही अलग है। जब आप गंगा तट पर जाते हैं तो वो जो एक शीतलता अपने मन में उत्पन्न होती है, उस वो शब्दों में बयान नहीं हो सकते, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब गंगा जी की वो तरंगे चलती हैं तो उनके ऊपर बहती हवा के गीले कण हमारे शरीर से टकराते हैं, कितना आनंद का अनुभव होता है, वो अवर्णनीय है। तो ये तो बहुत मनोवैज्ञानिक बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं गंगा दशहरे पर आप सभी से भक्त को क्या करना चाहिए और क्या क्या आप विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा स्नान के बारे में। जो शिव भक्त गंगा क्षेत्रों में रहते हैं, गंगा तट के आसपास रहते हैं, उन्हें गंगा दशहरे पर, जो गंगा दशहरा वो 30 मई को पड़ रहा है मंगलवार को, इस विशेष दिन आपको गंगा स्नान करना चाहिए। अब गंगा स्नान कैसे करना है ये भी आप सुन लीजिए। जब आप गंगा तट पर जाएं तो सबसे पहले आप गंगा जी को प्रणाम करें, दूर से ही प्रणाम करें। फिर जैसे आप पास में जाते हैं तो देखिए, पहले के लोगों की परंपरा क्या रही है कि जैसे नदी या तीर्थ क्षेत्र में गए तो वहां पर सबसे पहले जाते ही वो जल को अपने सिर पर लगाते हैं, उसके बाद वो फिर प्रवेश करते हैं जल के अंदर। तो सबसे पहला कंसेप्ट तो ये होता है कि सबसे पहले तो आप प्रणाम करिए, फिर जब आप गंगा जी के अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिर के ऊपर जल डालना होता है, ताकि जो मस्तिष्क की गर्मी है वो पैरों के थ्रू होकर के पैरों के माध्यम से बाहर हो जाए। क्योंकि अगर आप पहले पैरों पे ठंडा जल और या गंगा जल या फिर किसी भी प्रकार का ठंडा जल आप पैरों पर डालते हैं तो वो गर्मी ऊपर की ओर उठती है, जो आपके पहले से ऑलरेडी जो मस्तिष्क में माइंड में गर्मी होती है उसमें जाके वो प्लस हो जाती है, तो वो बहुत खतरनाक होता है। तो एक पॉइंट तो ये भी है कि जब भी आप स्नान करें तो सबसे पहला जो जल आप डालें वो अपने सिर पर ही डालें, ताकि वो ठंडक आपकी मस्तिष्क से होकर पैरों की ओर निकले। अब गंगा स्नान में आपको सबसे पहले सिर को भिगोना है, फिर आप गंगा जी में प्रवेश कर सकते हैं। और किस ओर मुख करके स्नान किया जाए, तो जिस तरफ से जल का प्रवाह आ रहा है, मान लीजिए मेरे सामने से ऐसे जल का प्रवाह आ रहा है, गंगा जी ऐसे बह रही है, तो मैं इसी तरफ मुख करके खड़ा होकर के गंगा जी में स्नान करूं। दूसरी बात, किसी भी प्रकार का शरीर का कोई भी अंग आपको रगड़ना नहीं चाहिए। बहुत सारे भक्तों को मैंने देखा है, वो गंगा में जैसे ही जाते हैं तो वो अपने शरीर को मलना शुरू कर देते हैं, मल मल कर धोते, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैल से, अपने शरीर के मैल से दूषित ना करें, किसी भी प्रकार का कोई भी दूषित कर्म आप गंगा जी में स्नान करते हुए नहीं करें। दूसरी बात, जब आप जल से बाहर आते हैं, गंगा जल से बाहर आते हैं, गंगा जी से बाहर आते हैं, तो शरीर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप शरीर को उसी समय तौलिए से या फिर गमछे से पोंछ लेते हैं तो आपके पितृ रुष्ट होते हैं,
क्योंकि आपके शरीर से टपकता हुआ गंगा जल जो होता है वो सूक्ष्म योनियों को प्राप्त हुए आपके अनेकों पितर उसको ग्रहण करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि आप पहुंच लेते हैं तो फिर काम उल्टा हो जाता है, आपके पितर रुष्ट होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि गंगा जल से जब आप बाहर आते हैं स्नान करके तो शरीर को पोछे नहीं। आप किसी को रोग है, कोई फोड़ा वगैरह है, कोई घाव है, ऐसे सिचुएशन में आप उस स्थान को गीले वस्त्र वगैरह से साफ कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पहुंचना चाहिए। गंगा जी में स्नान करते समय आप गंगा जी हर हर महादेव, नमः शिवाय, या फिर जो भी आपको गंगा जी का मंत्र आता है या फिर शिव का मंत्र आता है उसका आप उच्चारण करें, और स्तोत्र वगैरह कुछ यदि आपको आता है तो फिर उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। या गंगा जी में स्नान करने के बाद आप उस तट पर बैठ जाइए, फिर आप स्तोत्र या फिर नाम जप वगैरह कर सकते हैं गंगा जी के सानिध्य में। घर पर भी यदि आप कोई जप करते हैं तो किसी पात्र में आप गंगा जल साथ में रखते हैं तो जो आपका जप होता है उसका पुण्य 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो यदि आप गंगा तट क्षेत्र पर जाकर आप जप करते हैं तो उसकी तो महिमा ही क्या है। तो कुछ समय आप ऐसा बिताएं गंगा तट पर, गंगा क्षेत्र में, वहां पर भगवान का नाम जप वगैरह, भगवान का कीर्तन संकीर्तन जो भी आप करना चाहें करें। गंगा जी का एक सरल सा छोटा सा मंत्र है, उसके द्वारा आप गंगा जी को पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, दीप भी अर्पित कर सकते हैं, और जो कोई भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा मंत्र है, आज के दिन पर आपको दिख रहा होगा। ओम नमः शिवाय नारायण ने 10 पाप हराए गंगाए स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आप कुछ भी गंगा जी से के पूजन से संबंधित सब कुछ कार्य कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो शिव भक्त गंगा तट क्षेत्रों पर नहीं जा सकते, गंगा स्नान के लिए गंगा जी में नहीं जा सकते, वो क्या करें। एक गंगा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र है, उस स्तोत्र का पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। 108 नाम गंगा जी के हैं। महादेव जी स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि जो कोई भी इस गंगा जी के 108 नामों का पाठ करता है वो जहां कहीं भी हो उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो ये आपको करना कैसे है, देखिए सबसे पहले हम हमारे स्वामी का ही सानिध्य प्राप्त करेंगे, लिंगम पूजन करिए और गंगा जल से भगवान का अभिषेक करिए। देखिए बहुत सारे शिव भक्त पूछते हैं कि गंगा जी तो भगवान के जटाओं से निकल कर आती है, पुनः भगवान का अभिषेक उससे क्यों किया जाता है। तो देखिए गंगा जी से पवित्र कुछ भी नहीं, क्योंकि वो हमारे स्वामी की जटाओं से निकल कर आई है, और चाहे कैसा भी जीव हो उसको सदगति वो प्रदान करती है। तो इससे पुण्य कारक, इससे पुण्यदायी और इससे पवित्र अधिक क्या होगा जो हम हमारे स्वामी को अर्पित कर सकते हैं। तो गंगा जल से भगवान का अभिषेक इसलिए किया जाता है। तो गंगा जल से आप भगवान का अभिषेक करिए, फिर पूजन वगैरह आप जो नॉर्मल से पूजन करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद एक पात्र में आप शिवलिंग के समीप ही गंगा जल भर करके रख लीजिए, थोड़ा सा है तो थोड़ा सा ही, कोई बात नहीं। अब इसी मंत्र के द्वारा आप, जो मंत्र मैंने बताया था उसी मंत्र के द्वारा आप उस गंगा जल में पुष्प अर्पित करें, बिलपत्र अर्पित करें, और तिल वगैरह जो वगैरह या चावल जो भी आपको अर्पित करना है चढ़ाना है वो आप चढ़ा सकते हैं, उस गंगा जल में ही डालते जाइए। अब वही बैठ करके आपको गंगा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करना है। उस पात्र में उस जो कुछ भी आपके पास कटोरी या फिर जो कुछ भी हो उसी को लिंगम के पास में ही रखिए, और इन गंगा जी का आवाहन करने की कभी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गंगा जल में स्वयं देवत्व होता है, स्वयं गंगा जी रहती है, वो हमें पवित्र करने के लिए होता है, हम उसमें क्या आवाहन करेंगे। गंगा जल में कभी भी गंगा जी का आवाहन नहीं होता है। सामान्य जल में गंगा जी का आवाहन हो सकता है, किंतु आप गंगा जल में आवाहन ना करें, क्योंकि वहां पर गंगा जी स्वयं पहले से ही होती है। तो लिंगम के सानिध्य में आपको इस स्तोत्र का पाठ करना है, और विशेष गंगा दशहरा स्तोत्र है, गंगा स्तुति है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी पाप हो वो तुरंत तत्क्षण वहीं पर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इससे आप ऐसे शिव पूजन और गंगा पूजन कर सकते हैं। 10 पुष्प आप उस गंगा जल में डाल सकते हैं, या फिर जितने भी आपको मिले उतने उस मंत्र को बोलते हुए आप गंगा जल में उसमें डालिए। अब उस पूजा करने के बाद जो कटोरी है जिसमें आपने पूजन किया है गंगा जी का, उस जल को ले जा करके बिल्व वृक्ष की जड़ में आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए डाल दीजिए।
इससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा और शिव कृपा प्राप्त होगी। यदि कोई गंगा जी को दिखाते हुए किसी को ऐसा बोले कि ये गंगा जी है, और इस प्रकार से कोई ऐसा बोल करके किसी को गंगा जी का दर्शन करवाता है, तो उसको अक्सर पुण्य प्राप्त होता है और उसकी प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती ही रहती है, गंगा जी की कृपा उसे प्राप्त होती है। इतना महत्व तो है गंगा जी का। और अग्नि पुराण में तो यहाँ तक वर्णित है कि 1000 चंद्रायण व्रत करने से अच्छा है गंगा जल को पीना। अब चंद्रायण व्रत का बहुत बार वर्णन आया है, बहुत सारी जगह आपने सुना भी होगा। चंद्रायण व्रत क्या होता है, तो देखिए, मान लीजिए एक महीने का सर्कल ये घूमता है, ऑलमोस्ट एक महीने की प्रोसेस होती है इस एक व्रत की। मान लीजिए प्रतिपदा है, उसको आपने एक निवाला ग्रहण किया, द्वितीय को दो निवाले खाए व्रत के अंदर, तृतीय को तीन, चतुर्थी को चार, इस प्रकार से करते करते आप पूर्णिमा को 15 खाते हैं, 15 निवाले आपने ग्रहण किए। अब पूर्णिमा के बाद से फिर जो प्रतिपदा आएगी उसको फिर आप 14 निवाले खाएंगे, फिर जो त्रयोदशी आएगी उसको 13 खाएंगे, और वापस से वो पहले बढ़ते जाते हैं और फिर घटते जाते हैं। ये तो एक महीने का एक सर्किल घूमता है, ऐसा एक चंद्रायण व्रत होता है। ऐसे 1000 चंद्रायण व्रत करने से अच्छा है गंगा जल को एक बार पीना। तो सोचिए गंगा जल की क्या महत्ता है, और महत्ता क्यों ना हो, वो हमारे स्वामी के जटाओं से जो आ रही है। कितने कितने कृपालु हैं हमारे महादेव। और स्पेशल धन्यवाद तो हमें भागीरथ जी को करना चाहिए, उनके कुल को करना चाहिए। उनके कुल की तपस्या की वजह से गंगा जी आज इस भूलोक पर हैं और अनंत जीवों का कल्याण कर रही है। तो भागीरथ जी को और उनके कुल को अवश्य ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से गंगा जी इस धरातल पर हैं। और हमारे स्वामी तो है ही दयालु, तो गंगा जी का सानिध्य हमेशा आप अपने साथ रखिए। जब घर पर भी यदि आप कोई पूजन करते हैं तो एक पात्र में गंगा जल हमेशा पास रखिए, ताकि आपके द्वारा किया गया वो पुण्य 100 गुना हो सके। गंगा जी के 108 नाम और गंगा दशहरा स्तोत्र, दोनों के लिंक ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप PDF जाकर के डाउनलोड करिए। और गंगा दशहरा 30 मई मंगलवार को पड़ रहा है, तो गंगा पूजन करिए, लिंगम पूजन करिए और भगवान का अभिषेक गंगा जल से करिए। गंगा जल को पी लीजिए और आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं, तो गंगा स्नान के लिए जाकर के वहां पर आप दान पुण्य भी करें। एक चीज और मैं आप सभी शिव भक्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गंगा जी पर मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार का दूषित कार्य आप बिल्कुल भी मत करिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई शिव भक्त कुछ सामान लेकर गए, किसी थैली वगैरह में, प्लास्टिक की थैली में लेकर गए और वो गंगा जी में डाल दिए, तो थैली को भी साथ ही में छोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए, वो हमारे स्वामी की जटाओं में रहती हैं, वो अनंत जीवों का कल्याण करने वाली हैं, साथ साथ भवतारिणी हैं, उनको दूषित मत करिए। और एक चीज और ये खास बात है, तीर्थ क्षेत्र में या गंगा जी के सानिध्य में आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है आपके पुण्य कर्मों का। इसका एक प्लस पॉइंट तो यह है कि आपको इसका 1000 गुना आपको प्राप्त होता है, करोड़ों गुना प्राप्त होता है। किंतु यदि आप कोई दुष्कर्म या दुष्कृत्य करते हैं, आपसे कोई पाप अपराध हो जाता है, तो उसका भी वो उतना ही इंटू हो जाएगा, उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना ही गुना होकर के आपको प्राप्त होगा। इसलिए प्रयास करिए कि किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा, किसी से कोई भी अपशब्द, किसी के ऊपर क्रोध, किसी भी प्रकार का कोई विकार आपके मन में उस समय उत्पन्न ना हो। चाहे कोई जानबूझकर लड़ना चाहे तो भी आप संयम रखें, क्योंकि आप ये माइंड में रखें कि आप किनके सानिध्य में हैं। आप परमेश्वर के जटाओं से निकले हुए गंगा जी के सानिध्य में हैं, वो भवतारिणी है। इसलिए सब प्रकार के विकारों को जीतते हुए आप गंगा जी का सानिध्य प्राप्त करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त। तो ये थी जानकारी गंगा दशहरे के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव, ओम नमः शिवाय।